नहीं आप छेती है कि ना यही शादी के लिए है। लेट हो रहे समझ गया। बस कोई नहीं पड़े जी सर क्या कुछ चाहेंगे? ये 29 अक्टूबर को करीब 12:30 बजे के लगभग हमारे को जसवीर सिंह जो हाउसिंग बोर्ड सिरसा का रहने वाला है उसने हमारे को सूचना दी थी कि भी वो 3,39,948 रुपये जो उसने बाटा स्टोर, अमेजोन सेंटर और मिशु सेंटर से लेकर के वो PNB बैंक डबाड़े में जमा कराने के लिए जा रहे थे। जब वो करीब रंगड़ी रोड के नज़दीक पहुँचे थे उस समय उनसे 3 लड़कों ने पैसे का जो बैग के अंदर पैसे थे वो उनको थोड़ी चोट मार के और पैसे का बैग लेकर के वो वहाँ से भाग गए थे। इस सूचना पे हमने अभियोग अंकित किया। उसमें हमारे SP श्री विक्रांत भूषण जी ने ABT स्टाफ चाहिए और सिटी थाना की जो 3 टीमें संयुक्त रूप से इकट्ठी करके और निर्देश दिए थे कि भी जितना जल्द हो सके इस वारदात को टेस्ट करना है। तो इसमें हमारे ABT स्टाफ की टीम ने वहाँ पर जो रूट बना करके वहाँ पर लगे हुए कैमरों और साइबर की सहायता से इस वारदात को ट्रेस किया है, जिसमें हमने अब 4 लड़कों को राउंड अप किया है, जिसमें जसविंदर है, एक राजेंद्र है, एक सुरेंद्र है और एक विनोद। जसविंदर हमारी जो प्राथमिक जो पूछताछ है उसके अंदर ये आया कि जसविंदर पहले अमेजोन सेंटर के अंदर काम करता था और वारदात के जो समय था उस टाइम वो वहीं मौजूद था और उसने राजेंद्र, विनोद और सुरेंद्र को ये सूचना दी थी कि वो कैसे लेके चल पड़े हैं। आगे इन तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। अब 4 लड़कों को राउंडअप किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे जो 23 में जो आएगा उनसे जो पैसे लूटे हैं उनसे रिकवरी की जानी है और भी अन्य वारदात का खुलासा होने की उसमें संभावना है। कहाँ से पकड़े गए सर ये सर? अलग अलग जगह अपने लूटने के बाद ये अलग अलग जगह छुप गए थे अपने और इनकी जो हमारे SI है सुनील जी है उन्होंने साइबर के साथ संपर्क किया, साइबर से उनके मोबाइल की लोकेशन ली और उसके बाद हमें इस वारदात को टेस्ट किया गया। पहले भी कोई वारदात है यहाँ पर इनपर? इसमें अभी तक प्राथमिक पूछताछ के अंदर जो रवि नाम है, सुरेंद्र जो दूसरा नाम रवि है, इसके पहले भी चोरी के अभियोग अंकित है। बाकी इनका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो अभी हम देख रहे हैं। कितने उम्र के हैं सर ये? सर करीब 26 साल से लेकर और 32 साल के बीच में। किस तरह से शिकार बना सकते लोगों को? ये जो जसविंदर नाम का लड़का है सर, इसने पहले अमेजोन कंपनी में काम किया था और एक विनोद है उसने भी पहले काम किया था, लेकिन उसकी जो हरकतें देख के अमेजोन कंपनी ने इनको निकाल दिया था। तो ये उनकी पहले से ही इनकी इसमें थे भी, हम ये वारदात को कभी ना कभी इसको अंजाम दें। और जो कैश कलेक्ट करता था जसवीर उसके बारे में इनको जानकारी थी और उस दिन भी उनको इन्फॉर्मेशन जसविंदर ने ही इन बाकी को इन्फॉर्मेशन दे के ये वारदात को अंजाम दिया था। तो मास्टरमाइंड सर कौन है इस प्रोजेक्ट? ये जसविंदर है जी। इसके अंदर जी इसको आइडिया सर कहाँ से मिलता था, कैसे वारदात करनी है कैसे नहीं करनी है? ये पहले इन्होंने काम किया था जी, इनको पता था भी कैश किस टाइम कहाँ से लेके आते हैं और कितना कैश होता है उनके पास। जसविंदर और विनोद इनके ऊपर पहले भी लड़ाई झगड़े का एक केस है, उसके अंदर ये कस्टडी में गए थे और इनकी मुलाकात सुरेंद्र और राजेंद्र से हुई थी जो ये दोस्त थे। ये फिर चारों अपने इकट्ठा दोस्त हो गए थे, उसके बाद ये इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। इसमें एक है जो राजेंद्र है वो प्राथमिक पूछताछ में आया, अभी वो नशा करता है
और नशे के आदि उसके ऊपर वैसे भी आपराधिक रिकॉर्ड है पहले। ये किस टाइप का नशा सर करते हैं? ये मेडिकल नशा करते हैं सर। कहाँ के रहने वाले हैं चारों के चारों? ये जसविंदर है, ये तो बंगू गांव है जी अपना, उसका रहने वाला है। और विनोद सावला फर्स्ट का रहने वाला है जी। और राजेंद्र है, ये राजेंद्र रवि है, ये चामल गाँव का रहने वाला जी। तो इनमें क्रॉस कनेक्शन क्या सर, कोई मित्रता है या फिर रिश्तेदारी में? हाँ, ये मित्रता है जी इनके से। आगे की क्या सत्यवादी कार्रवाई रहने वाली है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है जी, इसमें और कोई अगर वारदात का खुलासा होता है तो वो भी फाइल पे लाया जाएगा। सर शायद पहले ही ऐसा मामला है जिसका माल चोरी किया उसकी दुकान पर बेचने चले गए? नहीं, अभी तो ये तो छुप गए थे अपने इस लूट करने के बाद में। ये नहीं था जी, ये पैसे थे, ये तो पैसे था जी।